think you should. Yeah. Oh, God, fire me. Oh, God, fire. Oh, God, हेलो हे नमस्कार दोस्तों, टेकी विशाल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को व्हाट्सएप की 7 ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएंगी, और दोस्तों इन ट्रिक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो गाइज अगर आप भी व्हाट्सएप की 7 अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो गाइज आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना है। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल फोन में रोजाना व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग सिंपल तरीके से ही व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड के साथ मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों आपका फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चौंकता। तो गाइज अगर आप लोग ये सातों के सातों ट्रिक अपने व्हाट्सएप में अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद आप लोग अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, मैसेजिंग करेंगे, तो उसके बाद आप तो चौंक ही जाएंगे, और जिसके साथ आप लोग चैटिंग मैसेजिंग करेंगे वो बंदा भी बिल्कुल चौंक जाएगा और आपसे बिल्कुल पूछेगा कि भाई ये सब आप कैसे कर रहे हो यार, तुमने अपने व्हाट्सएप को कहाँ से अपडेट कर लिया जो तुम्हारे व्हाट्सएप में इतने अमेजिंग फीचर आ चुके हैं। तो गाइज अगर आप भी व्हाट्सएप की कुछ ऐसी कमाल की धांसू ट्रिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है दोस्तों, इस बटन में दबाकर आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। 500 लाइक का टारगेट है, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। 500 लाइक कुछ भी नहीं होते आप लोगों के लिए, चुटकियों का काम है, सिंपल 500 लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपको चैनल को सपोर्ट करना होगा सब्सक्राइब करके, तो नीचे आप सभी को लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल बन के आ जाएगी, आप लोग इसको भी दबा लीजिए। ऐसा करने से आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप सभी को उस कमाल की ट्रिक के बारे में बताते हैं। तो गाइस व्हाट्सएप की 7 अलग अलग अमेजिंग ट्रिक पाने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन की लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है यहां पे व्हाट्स बॉक्स, चाहो तो आप लोग इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसकी जो लिंक है मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो यहां पे आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस यहां पे आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पे आप सभी को 7 अलग अलग अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओपन चैट, ब्लैंक मैसेज, मैसेज चैट, डिलीट मैसेज, मतलब अगर आपका फ्रेंड कोई मैसेज को डिलीट कर देता है तो यहां पे आप लोग उसको देख सकते हैं, स्टेटस सेव कर सकते हैं अपने फ्रेंड के, और दोस्तों यहां पे आप लोग क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, और सबसे मेन फीचर स्टिकर का, जैसे कि आप सभी को पता है व्हाट्सएप में भी रिसेंटली एक स्टिकर का फीचर आया था, तो गाइस यहां पे आप सभी को स्टिकर के काफी सारे पैकेज मिल जाएंगे। तो ओपन चैट में क्या है, यहां पे आप लोग किसी का नंबर बिना सेव करें यहां पे आप लोग उसको मैसेज कर सकते हैं। सिंपल यहां पे आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहां पे आप सभी को उस व्यक्ति का नंबर डालना है, और सिंपल दोस्तों यहां पे आपको ओपन चैट कर देना है, और उस बंदे की चैट एकदम आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप लोग उसको हाय हेलो कर सकते हैं। यहां से आप लोग अपने फ्रेंड के साथ ब्लैंक मैसेज शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप में जाएंगे और किसी को ब्लैंक मैसेज करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे नहीं होगा, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू यहां पे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ यहां पे ब्लैंक मैसेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और वो बिल्कुल चौंक जाएगा कि यार खाली मैसेज इसने किस तरीके से टाइप कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला फीचर आता है वो आता है मैसेज चैट का। तो यहां पे आप लोग कोई भी एक मैसेज लिखेंगे इस तरीके से, देखिए जैसे आपको कोई भी मैसेज लिखना है, और सिंपल यहां पे आप सभी को मैसेज चैट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहां पे किस किस बंदे को ये मैसेज करना चाहते हैं यहां पे आप लोग इस तरीके से उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहां पे आप लोग मैसेज को सेंड कर पाएंगे। अब दोस्तों ये मैसेज जो है आपने जितने बंदों को यहां पे सिलेक्ट किया है सबके पास एक दौरे से यहां पे चला जाएगा। इसके बाद देखिए मैं आप सभी को अगला फीचर जो आपको बताता हूं ये आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आ जाएगा। अगला फीचर जो है, जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं व्हाट्सएप पे कुछ हमें इमेजेस, वीडियो वगैरह वगैरह चीजें भेजते हैं, उसके बाद वो डिलीट कर लेते हैं, तो गाइस हम उनको नहीं देख पाते। देखिए यहां पे मैंने इसको खोल दिया, इसके बाद देखिए यहां पे मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप से यहां से एक मैसेज करता हूं आप सभी के सामने, और उस मैसेज को यहां पे मैं डिलीट करूंगा। तो यहां पे देखिए मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर दिया, यहां पे मैंने हाय लिखा, हाय लिखने के बाद हाय को यहां पे मैं जो है रिकॉल कर लेता हूं, तो यहां पे हाय मेरे पास आ चुका है। चलिए यहां पे मैं इसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूं। तो यहां पे मैंने व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजा था वो मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। अब ये मैसेज यहां से मैंने डिलीट कर दिया, तो यहां से मैं इसे किसी भी हाल में नहीं देख पाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं इस एप्लीकेशन में इस तरीके से ओपन करूंगा, और यहां पे मैं डिलीट मैसेज में जाऊंगा, तो यहां पे मेरे सामने उस कॉन्टैक्ट का नाम आ जाएगा जिसने यहां पे मैसेज डिलीट किया है, और यहां पे इस तरीके से वो मैसेज मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये भी काफी अमेजिंग फीचर है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आप लोग अपने फ्रेंड के स्टेटस को सेव कर सकते हैं। देखिए यहां पे आप सभी को कोई भी स्टेटस डाउनलोड करना है तो ऊपर की साइड यहां पे आप सभी को डाउनलोड का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट देख भी सकते हैं। इसके बाद यहां पे आप सभी के सामने आ जाता है क्विक रिप्लाई, मतलब यहां पे आप सभी को काफी सारे रिप्लाई देखने को मिल जाएंगे या फिर यहां से मैसेज देखने को मिल जाएंगे। सिंपल देखिए यहां से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से यहां से आपको कोने में व्हाट्सएप का आइकन देखने को मिल जाएगा, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहां पे आप लोग किस कॉन्टैक्ट को मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग इस तरीके से मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो गाइस ये भी काफी अमेजिंग फीचर है, आप लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए मैं आप सभी को अगला फीचर
बताता हूँ स्टीकर का। तो जैसे कि आप सभी को बताया व्हाट्सएप में रिसेंटली स्टीकर का फीचर आया था, तो यहाँ पे आप सभी को स्टीकर के काफी सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुड मॉर्निंग के, गुड इवनिंग के, हैप्पी न्यू ईयर के, सब तरीके के स्टीकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यही थी कुछ व्हाट्सएप की सात अमेजिंग ट्रिक जो आप सभी को नहीं पता, और आप लोग इनको करके अपने व्हाट्सएप में अलग लेवल का काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना था, वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।